टीवी है, जो बहुत सारे सीरीज आते हैं टीवी पे और जो मूवीज़ हैं वो देखते रहते हैं, और अनकॉन्शियसली हम उनसे सीखते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ग्रास्प कर लेते हैं, उनको सही मान लेते हैं, क्योंकि हमको सही चीज़ें पता नहीं है, हमको सच पता है। क्योंकि हमको सही चीज़ और सच पता नहीं है, तो जो टीवी और फिल्मों में दिखाया जाता है उसको हम बहुत हद तक सही और सच मान कर ग्रास्प कर लेते हैं और अपनी लाइफ में फॉलो करने लगते हैं। फिर उसकी वजह से हमारे लाइफ में हार्म भी होता क्या है कि कुछ राइटर्स बैठते हैं, वो एक अपनी इमेजिनेशन को पेपर पर उतारते हैं, स्टोरी लिखते हैं, उसको स्क्रिप्ट में लिखते हैं, और कुछ एक्टर्स आते हैं और उस स्क्रिप्ट को इनेक्ट कर देते हैं स्क्रीन। अब उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितना सही है, कितना गलत है, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनका मोटिव पैसे कमाना है। सो टीवी और फिल्मों से कभी कुछ मत सीखिए, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, वो सारा फेक ड्रीम्स आपको दिखा रहे हैं और हर चीज़ को एग्जेजरेट करके दिखा रहे हैं। इवन ऑन माइन्यूट थिंग्स, इमोशनल लेवल पे जाके भी बहुत सारी चीज़ों को एग्जेजरेट करके, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करके आपको दिखाते हैं, जिनका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। स्टे एज रियलिस्टिक एज यू कैन, लर्न टू एक्सेप्ट पीपल प्लेसेज एंड इवेंट्स एज दे आर। आप अपने लाइफ में जितने रियलिस्टिक रहेंगे और जितने पीपल प्लेसेज और इवेंट्स को ऑन रियल ग्राउंड समझेंगे या ग्रास्प करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, आपके ब्रेन में उतनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, आपके ब्रेन में जितनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी आप उतने बेटर डिसीजन ले पाएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग उतनी ज्यादा इम्प्रूव होगी, और जितनी ज्यादा इम्प्रूव होगी आपकी डिसीजन मेकिंग उतना ज्यादा आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप बेटर डिसीजन, आप चीज़ों को समझते हो, आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, आपकी लाइफ इंप्रूव करेगी, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। लेकिन टीवी और फिल्मों को सही मानकर जो टीवी और फिल्मों में दिखा रहे हैं उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, एक तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को हार्म करेंगी, क्योंकि रियल ग्राउंड पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आपको बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन लाइफ में झेलना पड़ेगा, क्योंकि टीवी और फिल्मों की वजह से आप अपने ब्रेन में बहुत सारे अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन और ड्रीम्स और डिजायर्स को पाल लोगे, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, या रियल ग्राउंड में वो नहीं हो सकता। वो जब नहीं होगी तो आप डिसअपॉइंट होगे, आपको बहुत सारा डिप्रेशन झेलना। तो जो टीवी और फिल्में हैं उनसे वैसे तो दूर ही रहना है, अगर एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी बहुत कभी कभार कोई पिक्चर देख भी ली, कभी थोड़ी बहुत टीवी देख भी ली, तो देखते वक्त अपने दिमाग को खुला रखना है कि इनसे हमको कुछ भी सीखना नहीं है, ये सब झूठ दिखा रहे हैं, ये फेक ड्रीम्स हैं, ये हर चीज को एग्जेजरेट करके ग्लैमराइज करके बताएंगे, इनका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं। सीखने के लिए बहुत सारे अलग सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, गुरुज हैं, स्कॉलर्स हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोज हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं जिनके थ्रू आप अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हो। अपनी रियल लाइफ से सीखिए, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीखिए, अपने आसपास चीजों को जो रियल लाइफ रियल वर्ल्ड में हो रहा है उन चीजों को ऑब्जर्व करके सीखिए, यहाँ से सीखिए, टीवी और फिल्मों से मत सीखिए। टीवी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ कंज्यूमरिज्म। टीवी हर समय आपको बोलती रहती है ये खरीद लीजिए, वो पहन लीजिए, यहाँ चले जाइए, ऐसा खरीद लीजिए, वैसा लगा लीजिए, वो खा लीजिए, हर समय आपको कंज्यूमरिज्म की तरफ प्रवोक और प्रमोट करती रहती है टीवी। बहुत सारी इन चीजों का आपके रियल लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारी जो एड्स हैं वो झूठ बोल रही हैं, उनको अपना सामान बेचना है इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली, क्योंकि हमको सही गलत अभी पता नहीं है, तो हम अनकॉन्शियसली टीवी के कंज्यूमरिज्म को फॉलो करते रहते हैं। टीवी कहती है फला खा लो तो अच्छा है, हम खा लेते हैं, टीवी कहती है ऐसी चीज लगा लो तो हम अच्छे दिखने लगेंगे, लगा लेते हैं, टीवी कहती है कि ऐसा पहन लो या वहां चले जाओ तो आपको बहुत मजा आएगा, वहां चले जाते हो पता नहीं मजा आता है कि नहीं आता है। जैसे आप अभी जो ये जनरेशन है आप उनको देखिए, अब इस जनरेशन को खुद को अच्छा दिखाना आता है, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने में जो पैसे खर्च होते हैं वो कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, उनको नहीं पता। जो अभी जनरेशन है उनको पार्टी करना पता है कि बाहर निकल के पार्टी करिए, इस कैफे जाइए, उस पब में जाइए, डिस्को में जाइए, ये सब कुछ उनको पता है, लेकिन वहां जाने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं वो पैसे कहां से आते हैं, वो पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो टीवी और फिल्मों से सीख रहे हैं। टीवी फिल्में आपको अच्छी और सही चीजें कभी नहीं सिखा रही। आपको खर्च करना तो आ गया, लेकिन आपको कमाना नहीं आया। खर्च करना सबको पता है, क्योंकि हम टीवी और फिल्मों से सीख रहे हैं। तो कंज्यूमरिज्म से खुद को बताना है, तो स्टे अवे फ्रॉम टीवी, स्टे अवे फ्रॉम मूवीज।